हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी करंट अफेयर्स की, 29 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, 29 जून के करंट अफेयर्स के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। कल हमारा एक आपसे क्वेश्चन था, हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा। हमने आपसे कहा था जब हमारी करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास कर ली थी, तब हमने आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिया था कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो आपने नहीं आंसर दिया था। चलिए, इसका आंसर हम आपको देते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है बच्चों। कौन सा है? लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज यदि देखें तो एरिया के हिसाब से लखीमपुर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स 29 जून 2022, 29 जून के करंट अफेयर्स। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात, क्या लाइन लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। एक बात और बता दें आपको कि आज हमारी लाइव क्लास हिंदी की फिर होने वाली है। हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस हमारी लाइव क्लास 11 बजे होगी। आप सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आके लाइव क्लास का आनंद लें और अपने तैयारी को और मजबूत करें। लेखपाल का प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस आपकी हिंदी के उसमें इंक्लूड होंगे। आप देखें कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उस 25 क्वेश्चंस में से। चलिए अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द कर्मयोगी एंड ई लर्निंग पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट ऑन 28 जून 2022। किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने 28 जून 2022 को डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने बच्चों ये किया है? संचार मंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 जून को नई दिल्ली में डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी के नाम से लॉन्च किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पोर्टल से क्या होगा? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। This portal will enhance the competencies of about 4 lakh ग्रामीण डाक सेवक्स एंड डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। तो पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज की दक्षता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे, अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पे आपके सेशन के क्वेश्चन लाए जाते हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम में आने वाले में सभी क्वेश्चंस क्या है, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट है, और अपना करंट अफेयर्स का एक अलग ही रोल रहता है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मोस्टली करंट अफेयर्स के। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में मिलेगी आपको, ठीक इसी तरह से डाल देंगे। और एक बात और आपके लिए कि मंथली पीडीएफ करंट की मंथली पीडीएफ जून महीने की मंथली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में मिलेगी। आप उसका प्रिंट आउट निकला सकते हैं या आप उसको सेव करके अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? अब ध्यान रखना, 2022 मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का विजेता खुशी पटेल को घोषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे,
2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसको घोषित किया गया है? खुशी पटेल को। खुशी पटेल को। अब जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जिसको घोषित किया जाएगा तो खुशी तो होगा ही बच्चों, खुश तो होगा ही, तो नाम से उसके याद रख सकते हैं आप खुशी पटेल। तो खुशी पटेल ही बहुत खुश हैं क्योंकि उनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। खुशी पटेल के बारे में बात कर लें तो खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल की स्टूडेंट हैं। खुशी पटेल एक बायोमेडिकल स्टूडेंट हैं यूनाइटेड किंगडम की, ओके, जिनको मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का विजेता घोषित किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल की स्टूडेंट खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का क्या किया गया है? विजेता घोषित किया गया है। तो नाम से याद आ रहा, ध्यान रखेंगे आप, इसको विजेता घोषित किया जाएगा तो खुश कौन नहीं होगा, तो नाम से ही खुशी आ रहा है बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जून 2022? किस राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? किस राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी तैरती यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को चालू किया है? इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि केरल राज्य ने, तो भारत का एक राज्य केरल है जिसने कि टाटा पावर सोलर्स लिमिटेड की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है। ध्यान रखेंगे, ये न्यू प्रोजेक्ट की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? ये नया प्रोजेक्ट है, कायम कुलम में स्थित नई परियोजना है। केरला में कायम कुलम जगह है, वहां पर यह प्रोजेक्ट क्या है स्थापित किया गया है बच्चों, लगभग 300 एकड़ के यानी कि 300 एकड़ वाटर बॉडी में ये फैला हुआ है, ओके। तो 300 एकड़ वाटर बॉडी में ये फैला हुआ है जिसका उच्चतम स्थापित क्षमता लगभग कितना है? 101.6 मेगावाट है। तो ध्यान रखेंगे, केरल राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। केरल के कायम कुलम में स्थित नई परियोजना लगभग 350 एकड़ वाटर बॉडी में फैली हुई है, जिसकी क्षमता के बारे में बात कर लें तो इसकी क्षमता 101.6 मेगावाट है। MW यहाँ पर क्या है बच्चों? मेगावाट, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे इन जून ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष जून में किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी दिवस। तो जून के महीने में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में? तो ध्यान रखेंगे 29 जून को, 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। अभी किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, ओके। बात करें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया, तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया भी इनको कहते हैं, किसको? महालनोबिस को कहते हैं, ओके। थीम क्या है 2022 की नेशनल स्टैटिक्स डे की? ये है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डे के साथ साथ क्या पूछ लेता है? थीम भी पूछ लेता है कि इस वर्ष की थीम क्या है, थीम यानी कि विषय वस्तु क्या है। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल स्टैटिक्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी में। और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया किसको कहते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहते हैं। थीम के बारे में बात कर लें, थीम क्या बताई हमने आपको? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। हु हैज स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन 28 जून 2022? 28 जून 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 28 जून यानी कि परसों को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है, किसने स्वर्ण लिया है? ये लिया है जस्टिस सतीश चंद शर्मा ने। जस्टिस सतीश चंद शर्मा ने दिल्ली के
हाई कोर्ट के रूप में क्या किया है, शपथ लिया है 28 जून को। ओके, इनको शपथ दिलाने वाले दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में एक समारोह में इनको शपथ दिलाई। किसको किसको शपथ दिलाई, ये दिलाई है जस्टिस सतीश चंद शर्मा को, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की क्या लिए, शपथ लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। ओके, आगे बात करते हैं। ही हैड अर्लियर सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट। इन्होंने सतीश चंद शर्मा ने, न्यायमूर्ति शर्मा ने इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। कौन, ये सतीश चंद शर्मा इस पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में रह चुके हैं। अब उनका क्या हुआ है, ट्रांसफर होकर कहाँ पर आए, दिल्ली हाई कोर्ट पे आए हैं। इनको शपथ गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई। आगे बात करते हैं, न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस उज्जल भुवान को भी शपथ दिलाई गई है तेलंगाना हाई कोर्ट। जब इनका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए, तो वहाँ की सीट क्या होगी, वैकेंट हो गई। तो वहाँ तो भी न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने भी 28 जून को तेलंगाना उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिया, शपथ लिया। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी DSSB के एग्जाम होते हैं, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन या SSC डिपार्टमेंट जो एग्जाम कराता है, या और भी जितने एग्जाम है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना के हाई कोर्ट और दिल्ली के हाई कोर्ट के रूप में किसने शपथ ली है, किस जज का नाम जैसे पूछ ले, है ना, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंबिका राव प्रसाद अवे इन पास्ड अवे इन जून 2022, सी वाजा फेमस। अंबिका राव प्रसाद का जून ही में, हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, जो कि एक फेमस क्या थे बच्चों, ये फेमस थे एक एक्टर थे, क्या थे, फेमस एक्टर थे, ध्यान रखेंगे। मलयालम फिल्म उद्योग में सहायक भूमिकाएं निभाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री अंबिका राव का निधन हो गया जून 2022 में। उनका इलाज एर्नाकुलम के एक प्राइवेट अस्पताल में COVID-19 का इलाज चल रहा था, जिसके कारण क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई COVID-19 के इलाज के चलते चलते। अंबिका राव प्रसाद मलयालम फिल्म उद्योग में सहायक भूमिका निभाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री रही हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, तो इनका एक एर्नाकुलम में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था COVID-19 का, इसी वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, सिर्फ कोविड की वजह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर 3 मंथ्स। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसने फिर से 3 अतिरिक्त महीनों के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि 3 अतिरिक्त महीनों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, ये किया गया है के के वेणुगोपाल को फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है 3 महीने के लिए और। ओके जी, तो सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को 3 अतिरिक्त महीनों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, तो लेकिन फिर क्या कर दिया, इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ओके बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री किताब के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें, इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। ओके, ध्यान रखेंगे एग्जाम में ऑथर्स बहुत पूछ लेता है बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, ये पुस्तक किसने लिखी है, किताब किसने लिखी है ना, कब इस बुक का किसने विमोचन किया। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक किसने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टू वेस्ट अफ्रीकन नेशंस ब्लैंक एंड टोगो हैव ज्वाइंड द कॉमनवेल्थ इन जून 2022। दो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस है, कौन कौन से, एक गैबन एक टैगो, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम ज्वाइन किया है जून 2022 में। ओके,
तो ध्यान रखेंगे। तो टू वेस्ट अफ्रीकन नेशन से दो वेस्ट अफ्रीकन राष्ट्र गैबन एंड टोगो जिन्होंने कॉमनवेल्थ क्या किया है ज्वाइन किया है 25 जून 2022 को। ओके ध्यान रखेंगे। पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लीगेंडरी हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट ब्लैंक पास्ड अवे ऑन जून 27 2022। लीगेंडरी हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो कि हाल ही 27 जून को इनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम के बारे में बात करें वरिंदर सिंह है। क्या नाम? वरिंदर सिंह। तो महान हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता वरिंदर सिंह का 27 जून 2022 को निधन हो गया। पांच डबे वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछता है। ओके चलिए, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के आपके सेशन के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस सेशन में लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हम आपको बता देते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल जो लॉन्च किया है, लर्निंग पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया? ध्यान रखेंगे अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। जैसा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो खुशी पटेल ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा पावर सोलर वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है आपका, लेकिन इसके थीम जरूर याद रखना आप। और क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस सेशन में आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बार बार देखें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तभी आप जब भी पेपर करने बैठे तो पूरी तरह से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे, आंसर वहां पे गलत करेंगे। तो ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे फिर मिलते हैं 11 बजे आपकी लाइव क्लास में हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। और एग्जाम जैसा कि पता है 24 जुलाई को एग्जाम आपका यूपी लेखपाल का लगा हुआ है। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल फिर मुलाकात होती है आपसे नई करंट अफेयर्स के साथ, नए जोश और नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी लोग बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।